नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहाँ सीएम का जो राजस्थान दौरा है। सीएम शिवराज राजस्थान में चुनावी हुंकार भरेंगे, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और आज और कल मुख्यमंत्री की जनसभाएं होंगी। बैर, देवली और हिंडौली में सीएम की सभाएं है। जयपुर में कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्थान की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में 24 तारीख को वोटिंग होनी है और उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का चेहरा, क्योंकि स्टार प्रचारक के तौर पर इन्हें देखा जाता है, इन्हें जाना जाता है। तो अब राजस्थान की जनता से जो है मुख्यमंत्री रूबरू होंगे। तो राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राजस्थान दौरा। राजस्थान में चुनावी हुंकार भरेंगे मुख्यमंत्री, जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही जयपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे। स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री चलिए इसी के साथ इस खबर पर हमारी सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जो है हो गए हैं, वहीं अब 25 तारीख को राजस्थान में चुनाव होने हैं और उसी के लिए मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक के तौर पर राजस्थान जाएंगे प्रचार प्रसार करने। और जी देखिए, अब जो है मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में चुनाव होना है, जिसके लिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 और 23 नवंबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। आज वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कई विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के जो प्रत्याशी है उनके लिए चुनावी हुंकार भरेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो किस तरीके से जो है विकास का काम कर रही है। इसके अलावा जो है प्रदेश सरकार ने राजस्थान के लिए जो काम किया था, बीजेपी की प्रदेश सरकार ने क्या क्या काम किया था, वो बताने की कोशिश करेंगे। और बड़े नेता है पार्टी ने, उन पर भरोसा जताया है, तो स्टार प्रचारक वो आज और कल दोनों दिन जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अगर मैं उनके पूरे कार्यक्रम की बात करूं तो आज उनके जो है राजस्थान में कई कार्यक्रम है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगभग 6:30 बजे जयपुर में पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। यहाँ वो जो मीडिया है उनसे बातचीत करेंगे और तमाम तरीके की जानकारी देंगे। उसके बाद 12:10 पर वो बैर विधानसभा पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। लगभग 1 बजे के आसपास वो देवाली पहुंचेंगे और जनसभा करेंगे, समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे पार्टी के प्रत्याशी के लिए। वहीं 2 बजे वो हिंडौली में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और जनता को ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि जो सरकार है मध्य प्रदेश में, जो केंद्र में सरकार है, अगर डबल इंजन की सरकार आ जाती है तो विकास का काम तेजी से होता है। राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में जो है ये दिखाने की कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्थान में करेंगे कि अगर डबल इंजन की सरकार चलती आती है तो विकास के काम दुगनी तेजी से होते, क्योंकि जब आप एक तरफ दूसरी सरकार रहती है और केंद्र में दूसरी सरकार रहती तो जो एक होता है सोच नहीं मैच हो पाती, तो उस चीज को यहाँ राजस्थान की जनता को दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि 25 नवंबर को जो है 200 विधानसभा सीट पर जो है राजस्थान में मतदान होना है। अब 25 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मतदान हो चुका है, 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे, अब जो है राजस्थान की बारी है। ऐसे में भाजपा ने जो है अपने बड़े नेताओं पर भरोसा जताया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा जो ग्वालियर, चंबल और जो राजस्थान के बॉर्डर से सटे भाजपा के दिग्गज नेता है उनको भी जो है बीजेपी ने जो है
राजस्थान में मैदान में उतारा है ताकि पार्टी के पक्ष में समर्थन जुटाए और जो तमाम तरीके के जो वो जनता को लुभाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर एक बार फिर से भाजपा राजस्थान में करती हुई नजर आएगी। जी क्या लगता है शबाना, कितना प्रभावी चेहरा यहाँ पर मुख्यमंत्री का रह सकता है? जी देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश की जनता तो उनको बहुत पसंद करती है, हालांकि ये डिपेंड होता है राजस्थान की जनता पर, क्योंकि राजस्थान में एक स्थिति ऐसी रहती है कि एक बार वो भाजपा को पसंद करते हैं तो एक बार कांग्रेस को। यहाँ वहां पर कई सालों से ये चला आ रहा, कई पंचवर्षीय से ये चला आ रहा कि एक बार दोनों पार्टियों को मौका दिया जाता है। तो ऐसे में प्रभावी चेहरे की बात करूं तो पार्टी के दिग्गज नेता की 7.5 करोड़ प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री है, तो कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा तो है, प्रभाव तो डालेंगे ही, और उनकी जो छवि है लोगों से मिलने की, कनेक्ट करने की, वो उनको अलग बनाती है, इसलिए पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री का चेहरा है, इसके बाद अब राजस्थान 18 साल से प्रदेश की सत्ता को संभाल रहे, तो उनको एक तजुर्बा है कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे जनसभा को संबोधित करना, कैसे लोगों से कनेक्ट होना है। और पार्टी ने अगर भरोसा जताया तो जाहिर सी बात है दिग्गज नेता है, मैदान में है, खुद चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पार्टी के दूसरे राज्य के लिए हुंकार भी भर रहे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है अपने आप। जी चलिए शुभाना, बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जो आज जो मुख्यमंत्री का राजस्थान दौरा रहेगा, भोपाल से राजस्थान जाएंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।